क्लास फॉर लूप के लिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं, इसका एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। देखो फॉर लूप कहाँ यूज़ हो सकता है, वैसे तो ये बहुत काम आएगा तुम्हें अपनी पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करियर में, ठीक है। तो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूँ, अगर मैं तुमसे कहता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का सम बता दो, कैसे बताओ? सिंपल सा है, तुम्हारा माइंड कैलकुलेट करेगा बचपन से जितनी तुमने अर्थमेटिक पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, सम करेगा इन सब नंबर्स को और बता देगा, सही है? यानी इनडायरेक्टली मैंने तुमसे क्या पूछा, सम ऑफ, हाँ सम ऑफ फाइव नेचुरल नंबर्स, स्टार्टिंग फाइव नेचुरल नंबर, यानी शुरू के पांच नेचुरल नंबर को प्लस करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो तुमने कहाँ से वन से कैलकुलेट, वन से प्लस करना शुरू किया, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15, तुमने बता दिया 15। मैंने कहा वेरी गुड, स्मार्ट हो। फिर मैं पूछता हूँ बेटा, जरा 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, अब बताओ। स्मार्ट बच्चा होगा तो वो कहेगा यहाँ तक 15 था, 15 से शुरू करेगा, फिर मजीद ऐड करते 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 यहाँ तक पहुँचेगा, बता देगा, सही है? क्या बन रहा है भाई सम, सम क्या बन रहा है? ठीक है, तुमने ये बता दिया। अब मेरा क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन ये है, तुमने मुझे बताना है इसका सम। यहां आके सारे स्मार्ट बच्चे फेल हो जाएंगे, 100 तक तो बता लोगे। चलो अब बताता हूँ, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भी तो कोई मसला नहीं है, तुम्हारे दिमाग पे अच्छा खासा जोर पड़ जाएगा। और अगर बात यहाँ चली जाए और अगर पॉसिबिलिटी ये बन जाए तो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है शायद ये करना, या पॉसिबल है भी तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट एक एवरेज इंसान के लिए ठीक है एक्सेप्टेबल नहीं है बात के वो सम करे और बताए हमें। तो ये काम हम किससे करवाएंगे, ऐसा काम कंप्यूटर से करवाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लूप्स यूज होंगे। देखो अब ये सम कैसे कर रहा है, पिछले नंबर्स को सम करते आ रहा है। देखो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था तुमसे बेसिक, तुमने क्या किया था, 1 + 2 पहले किया, जो तुम्हें रिजल्ट मिला उस रिजल्ट को तुमने क्या किया, नेक्स्ट वाले से प्लस करवाया। अगर तुमने ऑब्जर्व किया कि पहले तुमने यहां से शुरुआत की सम करने की, जो सम मिला उसको नेक्स्ट वाले से किया, नेक्स्ट वाले नंबर से तुम्हें फिर एक सम मिलेगा, फिर जो सम मिलेगा वो नेक्स्ट वाले को ऐड करोगे, फिर नेक्स्ट, सो ऑन, इस तरह से तुम्हें लास्ट आंसर मिल जाएगा अपना, सही है? यही किया ना। तो कंप्यूटर को भी मैं कुछ इसी तरीके से कहूंगा कि भाई पिछले दो नंबर्स को प्लस करो, फिर जो आंसर आएगा उसको अगले में प्लस करो, ठीक है। तो हमें कंप्यूटर को सिखाना पड़ेगा कि शुरू के 100 नंबर या 200 नंबर या 1000 या 1 मिलियन नंबर्स ऐड कैसे करवाने हैं, सही है? तो ये फॉर लूप के थ्रू ही होगा। अब देखो एक प्रोग्राम है मेरे पास, बनाना है मुझे ये प्रोग्राम। तो ये लूप का जो प्रोसेस था, मैं इसको यहाँ से ये हटा देता हूँ। फॉर लूप की बॉडी बनी हुई है ये पूरी, ठीक है। फॉर लूप पहले से लिखा हुआ है हमने यहाँ, ये तो मैंने लास्ट टाइम समझा दिया था। कितने नंबर्स प्लस करने हैं, 1 से लेके 100 तक के प्लस करवाने हैं। सपोज अभी हमारा टारगेट है 1 to 100 टाइम्स के नंबर्स प्लस करवाने, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, x = 0। मैंने एक वेरिएबल ले लिया x0 और मैंने कोड लिखा x = x + i, बस सिर्फ एक लाइन का ये कोड। और ये क्या करेगा, हाँ 1 से लेके 100 तक के नंबर्स मुझे सम करके दे देगा। मुझे यहाँ 100 भी तो लिखना चाहिए ना, मुझे 100 टाइम्स 100 नंबर प्लस करवाने। तो अब यहाँ देखो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ सम ऑफ 100 = %d, कॉमा, किस नंबर के अंदर सेव हो रहा है, एक्स के अंदर। अब मैं इसको जब चलाता हूँ F11 से, 5050, बिल्कुल परफेक्ट। याद है अगर इंटर प्री इंजीनियरिंग से किया हो, एक क्वेश्चन भी था ऐसा सीक्वेंस एंड सीरीज में, सही है, 5050। अच्छा अब तुम कहोगे सर मुझे यकीन नहीं है, मैं तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकता 100 तक, तो आप कोई छोटी सी एग्जांपल करके दे दें। तो बेटा 5 तक तो किया था ना तुमने, क्या आंसर आया था, 15 आया था, ये लो, सही है।
टेन तक क्या आएगा? यहाँ तक भी पॉसिबल था तुम्हारे लिए, सही है, बच गया बेटा तुम। 20 सही है, तो इसका मतलब परफेक्ट काम कर रहा है। इसको यूजर इनपुट पे करना है, यानी यूजर यूज करते हुए उससे जितने नंबर्स का सम पता करना चाहे वो कर सकता है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर द नंबर, ये हमने कमांड लिखी यहाँ पे, ठीक है, और एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे एन नाम का, सही है, और यहाँ लिखा स्कैन स्कैन एफ, और इंटीजर टाइप है एन की, एन की टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो परसेंट डी कॉमा, रीड कराने के लिए याद होगा एम परसेंट, और किसके अंदर सेव करा रहे, एन के अंदर, और यहां से 20 हटा के क्या लिख दो, सही है। अब ये तुम्हारी चॉइस पर है, जब तुम इसे रन करोगे तो ये सबसे पहले पूछेगा इंटर द नंबर, तुमने कहा मुझे इतने टाइम्स करवाना है, सेकंड्स में रिप्लाई आ गया कंप्यूटर का सम करके, ठीक है। अब तुम चाह रहे हो ये प्रोग्राम बार बार देखो, अभी मैंने एक और दफा चलाना है, तो मैं प्रोग्राम दोबारा कंपाइल कर रहा हूँ, दोबारा से चला रहा हूँ, 400 नंबर्स का सम इसने बता दिया। मैं चाह रहा हूँ ये प्रोग्राम थोड़ा सा डायनेमिक हो जाए, नहीं जब तक मैं चाहूँ तब तक चले, ठीक है। तो अभी तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक कमांड लिखता हूँ यहाँ पे, गो टू एल वन, सही है, और एल वन यहाँ पर है, सही है, और प्रिंट एफ बैक स्लैश एन बैक स्लैश एन बैक स्लैश एन, यानी लाइन चेंज हो जाएगी, प्रिंट एफ, और इस तरह से एक अंडर लाइन आ जाएगी, सही है, स्टार्ट F11, ओ सही है, टर्मिनेटर था वहाँ, मैंने गलत F11 दबाया, चलाया इसको प्रोग्राम को, कह रहे इंटर द नंबर, मैंने कहा शुरू के दो नंबर का सम बताओ कितना आएगा, 3, ठीक है। अब दोबारा पूछा इंटर द नंबर, 6, देखो फौरन फौरन बता रहा है इंटर द नंबर, सही है, 100 नंबर्स का सम बताओ, चलो 100 तो हो चुका, 1000 का सम बताओ, एक और 0 बढ़ा दिया, सही है, एक और 0 बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, ये बताना था कुछ तुम लोगों को, एरर नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसे चलेगा, कंप्यूटर फेल हो गया इसका मतलब है, है? नहीं नहीं एक्सपोनेंशियल नेगेटिव, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ई के फॉर्म में लिखा हुआ था ना, ये तो माइनस आ रहा है। तो एक बात बतानी है, वो ये कि अगर तुम्हारे पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, उसके अंदर कुछ मैं कह लूँ कि हाँ एक फुटबॉल आ सकती है उसके अंदर, ठीक है, और सिर्फ एक फुटबॉल आ सकती है, इससे ज़्यादा डालने की कोशिश करोगे नहीं आ सकती, उसकी स्पेस नहीं है, तुमने उस बॉक्स में एक से ज़्यादा फुटबॉल डालने की कोशिश की, तो क्या होगा पैकिंग के वक्त, फुटबॉल फटेगी या बॉक्स फटेगा, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, कुछ भी हो सकता है ना, तो नुकसान तो होगा। तो वही यहाँ पर हुआ है कि जब मेमोरी जितना जिस मैम जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसके अंदर ये प्रिंट हो रहा है, एक्स से प्रिंट हो रहा है ना ये, तो एक्स की एक लिमिट है नंबर्स को सेव करने की, एक्स की एक लिमिट है, उस लिमिट को जब ये क्रॉस कर रहा है तो क्या हो रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है, वो बॉक्स जो है उसके अंदर एक लिमिट है कि इस रेंज तक के मैं नंबर सेव कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा बड़े नंबर मैं सेव नहीं कर सकता। आप कहोगे सर भाई जब बात आती है कैलकुलेशन की तो मिसाइल इंजीनियरिंग वगैरह जब पढ़ते हैं तो वहाँ तो बड़ी एक्यूरेसी चाहिए होती है, थोड़े से भी कोऑर्डिनेट्स का फ़र्क होगा तो मसला हो जाएगा, गिरना कहीं होगा कहीं और फट जाएगा, और भी बहुत सारी एक्यूरेसी है, कोई बिल्डिंग बनाते हुए जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो फिर जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उनमें तो बड़ी डेसिमल पॉइंट्स की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो एक्यूरेसी के लिए क्या करें। तो बेटा प्रोग्राम बनाते हुए ना वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करते हैं पहले, मॉडलिंग के वक्त ही सोच लेते हैं कौन सा वेरिएबल किसके लिए सही रहेगा, सही है,
तो इसके लिए जब तुम्हें चाहिए बड़ा नंबर, तो डाटा टाइप भी क्या करनी पड़ेगी, हमें बढ़ानी पड़ेगी, सही है, रेंज बढ़ानी पड़ेगी। ये कहाँ पे आके ऑब्सोलीट हुआ, कितने जीरोज हैं, 3 4 5 6 7, 7 जीरो के बाद ऑब्सोलीट हो गया आके। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे निकलेगा कि इस एक्स को यहाँ से रिमूव किया मैंने और यहाँ लिखा फ्लोट एक्स, सही है, और यहाँ परसेंट डी हटा के क्या लिख दिया, 0.1f, यानी 1 डेसिमल प्लेस तक क्या करेगा, डेसिमल वैल्यू शो करेगा। अब इसको कंपाइल किया, 7 जीरो के बाद आके इंटीजर वाला नहीं चल रहा था, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो आया जवाब सम करके। एक और जीरो बढ़ा के देख लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगा रहा है, वो लूप चल रहा है। हाँ जी, अब जो कंप्यूटर तुम्हें इतना फास्ट लग रहा था, देखो उसकी प्रोग्रेस कैसे स्लो हुई है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, ठीक है, मगर रिप्लाई आया है। तो ये नहीं कह सकते कंप्यूटर फौरन आपको रिप्लाई कर रहा है, सर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वो डेटा स्ट्रक्चर का एक कोर्स होता है आगे यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो वहाँ पर हम यही चीज़ें पढ़ते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मशीन कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस करें कि मशीन फौरन रिप्लाई करे। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें इतना टाइम लगा, तो मुझे बुरा लग रहा है देखने में। अब जब मिलियंस का रिकॉर्ड सर्च करना हो, तो मिलियंस का रिकॉर्ड सर्च करने में तो सिस्टम सो जाएगा बिल्कुल, तो हमें वही टेक्निक्स पढ़नी होती हैं, कुछ एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे आगे सर्चिंग के, ठीक है, जो हमें जिससे पता चलेगा कि किस तरह हम सर्चिंग फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो आगे।